हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पहाड़ी चटकारा। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आज हम बनाएंगे साबूदाना की चिप्स। आज हम इसे दूसरे तरीके से बनाएंगे, ना हमें इसे पीसना है ना हमें इसे उबालना है। आज हम इसको एक नए तरीके से भाप दे के बनाएंगे। आप देख सकते हैं उसमें भी बहुत खिलते खिलते होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज की जो ये रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक बाउल साबूदाना चाहिए। इसको मैंने सोख करके रख लिया है और इसका पानी भी मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से भीग चुका है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। नमक ध्यान रखें, हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है, और उसको मिला लें। उसके बाद हमने इस तरीके से एक बाउल ले लेना है। आपके पास अगर साँचा हो तो आप साँचा भी ले सकते हो। ये देख सकते हैं जितना ही इसकी गोलाई है, हम इसी में ही हम साबूदाना को भरेंगे। उससे पहले हम इसे थोड़ा सा हम तेल से ग्रीस कर लेंगे, अच्छे से हम इनमें लगा लेंगे ताकि जो हमारा साबूदाना है वो नीचे ना चिपके। और थोड़ा थोड़ा करके हमने एक एक स्पून इसमें रख देना है। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम और भी रखेंगे। हमें इस तरीके से साबूदाना को फैला देना है। इसमें ध्यान रखें कि बीच में हमें गैप नहीं करना है। अगर हम गैप करेंगे तो साबूदाना टूट सकता है जब ये चिप्स बनेंगे। हमने पूरा तैयार कर लिया है और हमने एक भाप देने वाले बर्तन में थोड़ा सा हमने पानी रख लिया है और पानी को हमने गर्म करने के लिए रख देना है। भाप भी बना लें हम इसमें साथ ही साथ। हमारा भाप जो है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद जो हमने बना रखे हैं वो हमने इसमें एक एक करके रख देने हैं। ध्यान रखें अपना हाथ ना जलाएं। इस तरीके से हमने सारे जो कटोरी हैं वो रख देने हैं इसमें। ध्यान रखें हमने ज़्यादा देर इसको भाप नहीं लगाना है, सिर्फ एक मिनट तक हमने फुल आंच में इसको भाप देना है और ये हमारे तैयार हो गए एक मिनट में। और हमने सारी कटोरियों को निकाल देना है, बस इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने में चाहे जितना टाइम लगे, 10 से 15-20 मिनट जितने लगेंगे उतना टाइम हमने देना है। और उसके बाद हमने इनके निकाल लेना है। इस तरीके की पन्नी में हमने रख देना है इनको निकाल के। मैंने सारे निकाल लिए हैं ठंडा होने पे। गरम में ना निकालें, अगर गरम में हम निकालेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो ध्यान रखें ठंडा होने पे ही हमें इन्हें निकालना है। और मैंने इनको 2 दिन की धूप में सुखा लिए हैं। आप देख सकते हैं इनको पूरा 2 दिन लगा है सूखने में। और अब हम इन्हें तल लेंगे। तलना हमें इन्हें लो फ्लेम में ही है ताकि ये जले नहीं, और जल्दी जल्दी हमने इन्हें पलटाना है और ये तल के और ज़्यादा फूल जाते हैं। आप देख सकते हैं हमें इसी तरह सारे जो चिप्स हैं वो तल लेने हैं। आप देख सकते हैं ये कितने फुले फुले बन रहे हैं। बस इन्हें तलना हमने लो फ्लेम में ही है। देखिए हमारे सारे चिप्स बन के रेडी हो गए हैं। हम और भी ऐसे ढेरों चिप्स बना के हम स्टोर कर सकते हैं। तल के भी हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। और ये देखिए ये कितने क्रंची बने हैं, आप खुद देख सकते हैं, है ना क्रंची। और बच्चों को तो ये और भी ज़्यादा पसंद आते हैं। आप भी ये साबूदाना के चिप्स ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।